तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको देखो, वही बच्चा कर सकता है जो एलसी ऑसिलेशन डिटेल में पढ़ा होगा और उसको पढ़ाया गया होगा। तो कहते हैं कि एक कंडेंसर है, कंडेंसर मतलब हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस ये है चार टू पोटेंशियल डिफरेंस बी वन, ठीक है, बी वन से चार। द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर आर कनेक्टेड टू आइडियल इंडक्टर एल, ठीक है ना। द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर कनेक्टेड टू आइडियल इंडक्टर एल से कनेक्ट किए, द करेंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस टू वी टू। अब देखो, पहले तो एक एक स्टेप क्वेश्चन को हम समझेंगे कि ये कहा क्या है। एक कंडक्टर है चार्ज टू पोटेंशियल बी वन, इफ द प्लेट ऑफ कंडक्टर कनेक्ट टू आइडियल इंडक्टर एल, जब आप किसी कैपेसिटर को अच्छा खासा चार्ज कर लिए, ठीक है, सी था, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी वन है, तो इस पर चार्ज क्यू वन इज इक्वल टू सी वी वन स्टोर हुआ होगा। इसको अच्छे खासे मैंने चार्ज कर लिया, जी भर के जितना मन करता था, फुली चार्ज होता था तो इसको मैंने पूरा चार्ज कर लिया कैपेसिटर को। बट अब हमने चार्ज करने के बाद एक काम कर दिया कि इसको इंडक्टर से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही किसी चार्ज कंडक्टर, चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट करोगे, तो इंडक्टर क्या है, एक रेजिस्टेंस, इसमें चार्ज इट इज़ इक्विवेलेंट टू बैटरी। तो इंडक्टर से कनेक्ट करोगे तो ये क्या होता है, ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है ना। इसमें एलसी ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, आप पढ़े होंगे। तो चार्ज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक ना। और अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर फिर से पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल ऐसे होता रहता है, आपको पता होगा। तो करंट थ्रू द इंडक्टर, अब इस इंडक्टर के थ्रू करंट की वैल्यू निकालो, इस इंडक्टर के थ्रू करंट की वैल्यू निकालो, देन पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस टू वी टू। तो जब ऑब्वियसली कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और वो कम होते होते यहाँ पे वी टू हो गया है एक्रॉस द, यहाँ से एक्रॉस द इन कैपेसिटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम होते होते वी टू हो गया। तो उस वक्त इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी सर्किट में, उसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, ठीक ना। तो अब देखो, यहाँ से तुम देखोगे तो हाँ चलो, तो अगर मैं वी टू निकालता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें चार्ज इसमें जो फ्लक्चुएट कर रहा, चार्ज का इक्वेशन तुम्हें आना चाहिए, चार्ज इक्वेशन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट कैपेसिटर पे एलसी ऑसिलेशन में अगर चार्ज का इक्वेशन आता है तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चार्ज एट एनी टाइम क्यू, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी आता है, आई होप कि आप पढ़े होगे। तो ये वाली जो चार्ज है किसी भी इंस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ से क्यू अपन क्यू नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस ओमेगा टी आ जाएगी, और ओमेगा आपको पता होगा वन अपन एल सी अंडर रूट होता है, ठीक ना। ओमेगा जो है वन अपन एल सी अंडर रूट होता है। तो यहाँ से इज इक्वल टू कॉस ओमेगा वन अपन एल सी अंडर रूट, और यहाँ से टाइम टी और क्यू अपन क्यू नॉट, ठीक ना। तो यहाँ से चार्ज क्यू की जो वैल्यू डाल दोगे, क्यू जो है किसी भी इंस्टेंट चार्ज है, तो किसी भी इंस्टेंट चार्ज, तो सी टू किसी भी इंस्टेंट जो चार्ज है वो यहाँ से तुम देखोगे तो सी वी टू और क्यू नॉट मैक्सिमम पहले कितना था, तो सी वी वन था, ठीक है ना, और इज इक्वल टू यहाँ से कॉस वन अपन एल सी अंडर रूट टाइम टी। तो एक इक्वेशन यहाँ से मुझे मिल गया कि यहाँ से जो कॉस, यहाँ से कॉस वन अपन एल सी अंडर रूट टी की जो वैल्यू मिल गई वो आ जाएगी वी टू अपन वी वन। एक इक्वेशन को मैं यहीं रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब हमें तो करंट चाहिए भाई, तो अगर हमें करंट चाहिए यहाँ से, तो करंट चाहिए तो चार्ज का जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव ले लूँगा तो करंट मिल जाएगा। ये जो इक्वेशन चार्ज है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो वी विल गेट द करंट। तो करंट यहाँ से आ जाएगा डी क्यू ओवर डी टी, चार्ज का इसका डेरिवेटिव है तो माइनस क्यू नॉट, क्यू नॉट यहाँ से, और डी ओवर डी टी यहाँ से कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो कॉस ओमेगा तो माइनस क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी यहाँ से आ जाएगा।
ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, यही पूछा जा रहा था और इसी में हमें वेरिएबल रीअरेंज करना है। क्यू नॉट ओमेगा और साइन को वन माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट, मतलब इसका वन बाई टू मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तुम देखोगे अगर यहाँ से मैक्सिमम चार्ज सी वी वन और ओमेगा वन अपन एल सी अंडर रूट डालोगे और इसको अंदर ले जाओगे माइनस को नहीं, यहाँ से जो है करेंट करेंट की जो वैल्यू है, चलो पहले इसको वन माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वी टू अपन वी वन का होल स्क्वायर और इन सभी पे रूट चढ़ा हुआ था वन बाई टू, ठीक है ना। तो अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से ये जो अपना माइनस साइन यहाँ से चला आ रहा था, तो यहाँ से आ जाएगा सी बी वन अपान एल सी अंडर रूट और यहाँ से वी वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर और यहाँ से वी वन स्क्वायर और ये सब कुछ रूट पे वन बाई टू है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस वी वन को साइड में रहने देते हैं और इस सी को रूट के अंदर ले लूँ तो ये सी स्क्वायर बनेगा, सी बाई एल अंडर रूट बन जाएगा। और यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से और इसको तुम अंदर वी वन से मल्टीप्लाई वी वन से स्क्वायर ले लोगे तो ये वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर और यहाँ से वी वन बचेगा क्योंकि ये वी वन अंदर आके वी वन स्क्वायर हो जाएगा, समझे। यहाँ से नहीं, वी वन, वी वन को मैंने साइड में रखा तो ये वन बाई टू और ये वी वन स्क्वायर, तो ये वी वन कुल मिला के अगर तुम एक्सप्रेशन देखोगे तो सबको अगर रूट के अंडर लोगे, सबको रूट के अंदर लोगे तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो वी वन और वी वन इधर बचा और सी अपान एल यहाँ से वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर वन बाई टू और ए बी वन बाई टू और इधर बी वन बचा तो बी वन ने बी वन को काट दिया, मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो सी बी वन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर और ये सब रूट के अंदर है एल की पावर सब पे वन बाई टू। तो इसको सॉल्व करना, आई नेगलेक्ट द ये नेगेटिव साइन को मैंने, तो ये अगर तुम देखोगे यहाँ से तो सी बी वन माइनस बी टू, मतलब डी ऑप्शन अपना मैच कर जाता है। थैंक यू।